Namaste. Here's a lovely small story which I'm sure will bring a smile on your face. The story goes that there was a king who was very, very rich. He was so wealthy that people from across the kingdoms would talk about his wealth. Aur uski lifestyle bhi badi achhi thi, aisha aur aram ki zindagi thi. Lekin ek problem thi is raja ke saath, ki raja khush nahi tha. Aur aksar sochta tha ki main khush kyun nahi hoon. Aur aisi soch mein ek din wo apne darbar mein ghum raha tha. So he came across one of his workers by the name of Ramlal. Aur Ramlal ko dekh ke ye raja aur chaukte hain because Ramlal safai kar raha hai, jhadu laga raha hai. Aur chehre pe iski ronak hai, chehre pe iski khushi hai, muskurahat hai. Aur ye gana gaate hue apna saaf safai kar raha hai. To ye baat raja ke man mein aur chubhi ki main raja hoon. I own this land, I lead this entire kingdom. Aur main khush nahi hu itna sab hone ke baad. और ये छोटा सा इंसान इतना खुश कैसे है? तो ये बोलते हैं अपने एडवाइज़र है उसको बुलाते हैं और बोलते हैं भाई ये क्या माजरा है. सो द एडवाइज़र उनके जो होते हैं वो राजा को की बात सुनते हैं, पूरी कहानी सुनते हैं. एंड देन द एडवाइज़र टेल्स द किंग कि महाराज मुझे लगता है कि ये जो रामलाल है इसने क्लब ऑफ 99 ज्वाइन नहीं किया है. तो राजा बोलते ये क्या है क्लब ऑफ 99 क्या होता है. सो दिस एडवाइज़र जो प्रधान होते हैं ये बोलते हैं महाराज आपको ये क्लब ऑफ 99 समझाना बड़ा मुश्किल है. आपको मैं कुछ करके बताता हूँ ये क्लब ऑफ 99 क्या है. तो ये प्रधान जो होते हैं ये एडवाइज़र होते हैं ये एक बैग में 99 गोल्ड कॉइन्स रखते हैं और ये अगले दिन सुबह रामलाल के घर के दरवाजे के बाहर उसको छोड़ देते हैं. रामलाल खोलता है दरवाजा एंड ही सीज द बैग एंड ही टेक्स द बैग इनसाइड एंड ही स्टार्ट्स काउंटिंग द गोल्ड कॉइन्स. ही इज वेरी हैप्पी, ही हैज गॉट गोल्ड कॉइन्स. जब वो गिनता है तो वो निकलते हैं 99. द अगेन ही काउंट्स कि शायद मेरे गिनने में गलती हुई होगी. अगेन सेकंड टाइम व्हेन ही काउंट्स अगेन द कॉइन्स आर 99. ही बिकम्स अ बिट अपसेट एंड ही सेज ये ऐसा कैसे 99 है. अगेन ही काउंट्स द थर्ड टाइम एंड द थर्ड टाइम ऑल्सो द कॉइन्स कम आउट एज 99. नाउ ही इज पजल्ड बिकॉज कोई क्यों रखेगा 99 गोल्ड कॉइन्स. रखना होगा तो 100 पूरे रखेगा ना. तो ही थिंक्स मे बी शायद घर के बाहर कहीं गिर गया होगा कॉइन. So he goes outside, he sees outside the house, वो गली में पूरा घूमता है, देखते रहता है कहीं वो एक कॉइन तो नहीं कहीं गिरा हुआ है. एंड देन ही कम्स बैक एंड ही थिंक्स मे बी कहीं गिर गया होगा, किसी ने उठा लिया होगा. एंड ये क्या बात हो गई, 100 पूरे मिलने चाहिए थे. एंड द इंटायर डे ही जस्ट कीप्स ऑन थिंकिंग अबाउट इट, ही डजंट इवन गो टू वर्क. नेक्स्ट डे मॉर्निंग ही गेट्स अप एंड समवेयर द स्माइल इज नॉट ऑन हिज फेस. ही हैज एन एक्सप्रेशन की कुछ तो कमी है लाइफ में. एंड ही गोज टू वर्क keeping in mind that I have to work hard to get that 100 gold coin. और वो अब काम करता है, वही काम कर रहा है जो पहले करता था, लेकिन अभी वो मुस्कुराहट नहीं है, वो रौनक नहीं है, वो गुनगुनाना भी नहीं है काम करते करते. और ऐसा दिनों दिन निकलते रहते हैं और रामलाल जो है जो पहले वाला था वो उसकी छवि भी नहीं दिखती उसके अंदर. एंड देन दिस एडवाइज़र कम्स बैक टू द किंग एंड ही सेज किंग महाराज देखिए ये रामलाल जो है अब ऑफिशियली मेम्बर बन चुका है of the club of 99. तो महाराज कहते हैं अभी समझ में आया मुझे क्लब 99 क्या है. तो एडवाइजर बोलते हैं महाराज को ये वो लोग हैं जिनके पास जो है ये उसको लेके खुश नहीं होते और जो नहीं है उसके बारे में सोचते रहते हैं. आई फील दिस स्टोरी इज काइंड ऑफ वन विच विल रिलेट टू ऑल ऑफ अस. आई बिलीव दैट ऑल ऑफ अस यू मी पीपल अराउंड अस हम सबके पास बहुत कुछ है खुश होने के लिए. इनफैक्ट वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड विच इज which is the best possible world we ever had in the history of mankind. आज सुख सुविधाएं इतनी हैं, आज लग्जरी इतनी हैं, आज हेल्थ के ऊपर इतना काम हो रहा है, आज दवाइयां हैं, डॉक्टर्स हैं, अच्छे घर हैं, गाड़ियां हैं. आई थिंक एवरीथिंग इज देयर विच इज़ मच बेटर देन वॉट पीपल हैड 15, 20, 50, 100 ईयर्स अगो. तो अगर खुशी आनी होती तो फिर पहले के मुकाबले आज हम ज़्यादा खुश होते ना. लेकिन इफ़ यू सी द वर्ल्ड अराउंड people 50 years ago were more happy than what we are today in spite of all that which we have. This means somewhere happiness is not outside there. So let's stop thinking about the 100 gold coin. Let's think about the 99 which we have in our hands and I think our happiness quotient will be on all the more high. Lekin iska dusra part bhi hai that we want to grow. We have a desire to become a lot more of what we are. So money wise, business wise, we want to grow. And that is important. That is also right that we want to grow. But understand that desires are not the point of happiness. Desires are the point of your potential.
So your desire will make you maximize your potential. So have your desire with the thought process ki isse main apne potential ko acha banaunga aur bada karunga. But happiness is in acknowledging mere paas kya hai. To hum sab ke paas ghar hai. Let's be happy with a home. But let's desire for a bigger home. Let's be happy with the children. Yes, we have a desire that they become better. Let's be happy with a few friends. Kuch to 4-5 yaar hain jinke sath baith ke hum gapshap maar sakte hain. Kuch bhi baatein kar sakte hain. So let's acknowledge what we have, and I'm sure our happiness quotient will be high and we'll not become a member of the 99 club. So the membership of this club is free, but we end up paying a big price throughout our life. Please understand that if you're not happy with what we have, why would we be given more of it? Hame aur kyun diya jayega? So let's acknowledge what we have and let's take our happiness quotient up. Namaste.